भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर दिल्ली से, जहां पर बताया जा रहा है कि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। आज तड़के बीजेपी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राजनाथ सिंह अपनी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज लोकसभा से सुब्रत पाठक को फिर से टिकट दिया गया है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कन्नौज से लोकसभा की सीट पर सुब्रत पाठक ही लड़ेंगे। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की कल बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जल्दी सामने आने वाली है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि बताया जा रहा है लखनऊ से राजनाथ सिंह लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। तो कन्नौज से लोकसभा से सुब्रत पाठक को फिर से टिकट दिया गया है। जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव लखनऊ से ही लड़ेंगे राजनाथ सिंह। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि कल बीजेपी मुख्यालय में चर्चा के बाद 100 से अधिक नामों पर मोहर लग चुका है। उसमें से कुछ नाम है जिसमें से राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, वहीं सुब्रत पाठक की बात करें तो वो कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ेंगे और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। तो तकरीबन 100 से अधिक लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुका है। आज और या कल में उम्मीदवारों की जो सूची है वो भी जारी हो जाएगी। तो क्योंकि बीजेपी लगातार जो 400 पार के लक्ष्य की बात करे तो वो उन सीटों पर खास करके उस उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती है जो पहले से एक पॉपुलरिटी हासिल कर चुके हो और जिसको लोग पसंद करते, ताकि उनको चुनाव में जीतने में कोई भी दिक्कत ना झेलना पड़े। जिस तरह से देखा जाए कि लगातार बीजेपी अपने कई दिनों से लगातार बैठकों की दौड़ करे लगातार कई बड़ी अहम बैठक कर चुकी है। उसके बाद कल जब सूची को लेकर के उम्मीदवारों के नामों को लेकर के कल देर रात तकरीबन सुबह के 3 बजे तक हर एक राज्यों के अलग अलग मंत्रियों के साथ अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई। उसके बाद तक 100 से अधिक नामों पर मुहर भी लग चुका है, जिसमें से राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुब्रत पाठक, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो देखा जाए तो इस तरह से कई उम्मीदवार हैं जिनको लेकर के कयास भी लगाया जाए। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में जो 5 सांसद पुराने सांसद जो पहले से जीत हासिल कर चुके थे, जैसे कि बात करें जो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी है, उनका भी टिकट कट सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात करें तो 7 में से जो 5 पुराने सांसद है उनका टिकट कट सकता है। बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही कि कई सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी जीताऊ उम्मीदवार पर अपना भरोसा जता रही है। जी बिल्कुल, जो बीजेपी लगातार उस उम्मीदवार पे भरोसा जता रही है कि जिससे लोग अपने क्षेत्र में पसंद करते हैं, तो उन जिसको लेकर के बीजेपी पहले ही नमो ऐप के जरिए हर एक लोकसभा क्षेत्र से लोगों से वो फीडबैक ली है, फिर अपने मंत्रियों को हर एक लोकसभा क्षेत्र में भेज दी, वहां पे जाकर के जमीनी स्तर पे लोगों से बातचीत करने के बाद, कई दौर के बैठकें करने के बाद कल जाकर के कई नामों पे मुहर लगा, जिसमें से कई अहम चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पे मुहर लगाया गया। लेकिन ये भी है कि अब 100 से अधिक सीट पे मुहर लगने के बाद जो और भी लोकसभा सीट है, क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार की दावा कर रही है, तो और भी जो लोकसभा सीट बची है उसको भी लेकर के बीजेपी बैठकें कर रही है और बैठकें के बाद ये भी तय हो जाएगा कि आखिर बाकी के सीटों पे किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार तकरीबन 70 से 80 जो पुराने लोकसभा सांसद है उनका टिकट कटने वाला है और उस सीट पे नए उम्मीदवारों की सूचना दी जाएगी, सूची जारी की जाएगी, जिसमें से कुछ युवाओं को, महिलाओं को आगे लाया किया जाएगा, क्योंकि लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करके बीजेपी युवा शक्ति की बात कर रही है।
तो जिसको देखते हुए इस बार लोकसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा। युवाओं को भी मौका देने का बीजेपी पूरा प्रयास करे, क्योंकि हमारे भारत में सबसे अधिक युवा वोट है, तो कहीं ना कहीं युवा वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ये भी प्रयास करे कि किस तरह से युवाओं को वोट अपने तरफ किया जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार की दावा कर रही है। और 400 जहां एक तरफ बीजेपी एनडीए गठबंधन में है, वही दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं ये 2024 का जो चुनाव है एक देख सकते हैं कि तकरार है। वहीं हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी बीजेपी लगातार अपना पैर फैलाने की कोशिश कर रही है, वहां के लोगों से भी मुलाकात की जा रही है। वहीं हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, तो ये तमाम राज्य हैं जहां पे बीजेपी पहले से ही अपना उनका शासन है, बीजेपी का ही वहां पे मुख्यमंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में बीजेपी को थोड़ा सा चैलेंज कम देखना पड़े। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लोकसभा वाला क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय किया जाता है, ये अमूमन सभी मंत्रियों सभी नेताओं का कहना होता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीट में बीजेपी का टारगेट है कि हम 80 की 80 सीट पे जीत हासिल करें। वहीं बीजेपी का जो उम्मीदवार का नाम घोषित हुआ था, तकरीबन 56 उम्मीदवार बीजेपी उत्तर प्रदेश में घोषित कर चुकी है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखा जाए तो बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से लगातार बीजेपी एक बड़े जीत का आगाज कर रहे हैं कि हम इस बार कम से कम 400 सीट जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि पिछले बार देखा गया था बीजेपी अकेले अपने दम पे 303 सीट हासिल की थी और गठबंधन के साथ वो 350 के पार के आंकड़ा पार किया गया था। तो इस बार बीजेपी का दावा है कि वो अपने गठबंधन के साथ साथ कम से कम 400 पार अपना सीट वो लेकर के आएगी। लेकिन देखा जाए जिस तरह से जी बिल्कुल देखा जाता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति से सभी को चौंका देती है, कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही फैसला लेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी का रणनीति देखा जाए क्यों तो वो एक चौंका देने वाला रणनीति उनका रहता है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की गई और जिस तरह से टिकट कटने की बात हो रही है, जो पुराने लोकसभा सांसद है जो उम्मीद लगा करके बैठे कि 2024 में भी वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी इस बार कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहती है। बीजेपी उसी उम्मीदवार को टिकट देगी जो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर सके, और बीजेपी के झोली में 400 सीटों का जो आंकड़ा बीजेपी लक्ष्य बना के चल रही है वो बीजेपी को हासिल करवा सके। तो बीजेपी अपने उन उम्मीदवारों पे खास करके काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात बता दें बीजेपी उन सीटों पे ज्यादा काम कर रही है जिस सीट पे बीजेपी 2014 और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो बीजेपी को वहां से हार देखने को मिला था। तो बीजेपी उस सीटों पे लगातार मंथन कर रही है, उस सीटों पे वो उस उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती है जिससे लोग उस एरिया में, उस लोकसभा क्षेत्र में लोग उसे पसंद करते हो, जनता के बीच में वो जागरूक हो और जनता उसे कहीं ना कहीं चुन करके लोकसभा में भेजे। तो बीजेपी पूरी तरह से रणनीति बना करके तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए, और जिस तरह से अमित शाह की बात करें, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो लगातार जमीनी स्तर पे ये देख रहे हैं, जाकर के पहुंच रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से हम उम्मीदवारों का नाम घोषित करें, किस उम्मीदवार को किस जगह से खड़ा करें जहां से हमें जीत हासिल मिले। क्योंकि वही हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा वहां पे नाम है उनका। बिल्कुल दीपक, संदीप संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव इस बार राजनाथ सिंह लखनऊ से ही लड़ेंगे। देखिए बिल्कुल नंदिनी, लोकसभा चुनाव को लेकर ये कहा जा सकता है कि अब बहुत ज्यादा देखिए समय शेष नहीं रह गया है। निर्वाचन आयोग देखिए लगातार बैठक कर रहा है, और ये भी देखिए कहा जाता है कि बैठक के बाद 3 से 4 दिनों में अधिसूचना जारी हो जाती है, यानी जो चुनाव की तिथियां हैं उसका देखिए ऐलान हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने देखिए ये बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर नाम तय कर दिए, और देखिए लखनऊ से जो चर्चा चल रही है वो पुराने देखिए उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ये कहा जा रहा है कि लखनऊ से अपनी सीट से ही देखिए राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी ये भी बताया जा रहा है कि 2019 से लगभग 33% ज्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि देखिए महिला वंदन अधिनियम की बात करी जाए, महिलाओं के लिए तमाम तरीके की योजनाएं की बात करी जाए। कन्नौज से देखिए सभी को पता है कि सुब्रत पाठक लगातार वो विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं,
और वहां पर देखिए सभी को पता है कि एक बार उन्होंने डिंपल यादव को भी चुनाव हराया था। ऐसे में ये है कि कन्नौज से देखिए सुब्रत पाठक चुनाव लड़ेंगे, सुषमा स्वराज की बेटी जो है उनके चुनाव लड़ने की बात बताई जा रही है, और उसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जो दिल्ली के एक समय में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए मिशन 80 के तहत यानी एक पूरा उसका जो लोटस अभियान चल रहा है जिसमें चाहे दूसरे दलों के नेताओं को अपने दल में शामिल कराना हो, और कल जिस तरीके की एक देखिए बड़ी बैठक हुई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल है। और ये देखा जा रहा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो 14 सीटें यानी 16 हारी थी, दो उपचुनाव में उसने वापस ले ली थी, लेकिन 14 जो सीटें हारी थी सबसे पहले उसके नाम घोषित किए जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी घोषित हो सकता है कि वो भी कहीं से चुनाव लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए बच चुका है, निर्वाचन आयोग की भी देखिए लखनऊ में बैठक हो रही है, इस समय विधानसभा में उसकी बैठक चल रही है, और अब एक दो दिन में जल्द से जल्द सभी लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का जो सार्वजनिक ऐलान है वो कर दिया जाएगा। और देखिए इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी कम समय इसलिए भी लेती है कि वो ऐसे चर्चित नाम, ऐसे लोकप्रिय नाम उतारती है जिनको प्रचार प्रसार के लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, क्योंकि देखिए अगर लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम का ऐलान होता है तो उनको किसी प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं होती है। राजनाथ सिंह ने जो लखनऊ में जब रहते हुए उन्होंने जो काम किया वो दिल्ली में जरूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लखनऊ वासियों से किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। कन्नौज की बात करी जाए, सुब्रत पाठक देखिए वहां के लोकप्रिय नेता है, उनकी जो शैली है वो वहां के लोगों को पसंद आती है। सुषमा स्वराज की बेटी यानी सुषमा स्वराज का देखिए जो कद है वो सभी को पता है, ऐसा नहीं है कि उससे कोई अनभिज्ञ है, यानी सभी प्रत्याशियों के, मनोज तिवारी के देखिए बात करें जो उत्तर पूर्व दिल्ली से बताया जा रहा है कि वो चुनाव, यानी ये सभी ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, चाहे वो रवि किशन की बात करी जाए या फिर अन्य लोगों की देखिए बात करी जाए। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। और अब